फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम 2 मिनट्स वन कॉन्सेप्ट ग्रेट लर्निंग में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड वैन। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट ये चूक जाते हैं कि वैन का यूज कब करना है और व्हाइल का यूज कब करना है, जबकि दोनों का ही अर्थ जब होता है। तो दोनों का ही अर्थ जब होता है फ्रेंड्स, तो इसे किस तरह से यूज किया जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए कि व्हेन, जब वन ओल्ड एंड ओल्डर एक्शन का कॉम्बिनेशन, एक ओल्ड और ओल्डर मतलब एक पुरानी और एक उससे पुरानी बात का कॉन्सेप्ट हो, या अगर प्रेजेंट की भी बात कर रहे हैं तो एक प्रेजेंट की हो और एक पास्ट की हो, तो अगर इस तरह का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कि दो सेंटेंसेस में यदि एक्शन का गैप होगा, समय का गैप होगा, तो यू कैन यूज व्हेन। परंतु यदि पास्ट में, अर्थात पास्ट में कंटिन्यू टू एक्शंस पैरेलल हो, अर्थात एक साथ, तब हम व्हाइल का यूज करेंगे। सी विद एग्जांपल कि व्हेन आई रीच्ड होम, व्हेन आई रीच्ड होम एवरीबॉडी हैड स्लेप्ट, जब मैं घर पहुंचा सभी लोग सो चुके थे। व्हेन आई एंटर्ड In the class had started. जब मैंने क्लास में प्रवेश किया तब क्लास शुरू हो चुकी थी। It means एक एक्शन पहले हुई और दूसरी एक्शन बाद में। अब व्हाइल को कैसे यूज करेंगे, that you can learn with one more example कि I was reading chapter 3 while you were reading, chapter number 4, अर्थात जब मैं थर्ड चैप्टर पढ़ रहा था, आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, मीन्स आप मुझसे एक चैप्टर आगे थे, परंतु दोनों ही पढ़ रहे थे, यहां पर गैप हुआ क्या? नो। तो ऐसी स्थिति में हमें व्हाइल का यूज करना है, और जब एक के बाद एक एक्शन का सीक्वेंस हो तो यू कैन यूज व्हेन। सो फ्रेंड्स, डू नॉट कंफ्यूज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।